हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है स्टेट एंड इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट यूज बताना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो है जिसमें कि कोई एक बड़ा कंपाउंड डिकम्पोज होकर, मतलब कि ब्रेक होकर, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, उसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिएक्शन इन विच अ लार्ज कंपाउंड अ लार्ज कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर कंपोनेंट, और कंपोनेंट की जगह पे आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें, तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि सपोज कर लो हमारे पास है CaCO3। ठीक है, अब ये इसको क्या करते हैं, हम लोग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इसको हीट किया जाता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको सीमेंट भी बोलता है, सीमेंट भी इसी तरह का होता है। तो सीमेंट बनाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट यूज है। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज यूज टू प्रोड्यूस सीमेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज टू प्रोड्यूस सीमेंट। तो ये हमारा सही आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।